क्या सदन में आप लोग राजद के साथ रहेंगे? सवाल क्यों पूछते हैं? नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कल से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को तैयार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो सदन में सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो तेजस्वी यादव के साथ या आरजेडी के साथ मिलकर के वो सदन में सरकार को घेरने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है और वो सदन में विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे, इसमें साथ आने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपना काम करेंगे और आरजेडी अपना काम करेगी। अगर सरकार की किसी नीति का विरोध करना होगा तो उन्हें भी करना चाहिए और हम भी करेंगे। क्या कुछ कहा है अजीत शर्मा ने, पहले आप सुनिए। उसको हम लोग प्रदर्शन करेंगे सदन में। हम लोग सभी लोग विधान परिषद के सदस्य भी 3 हैं, हम लोग 19 हैं, सब लोग मिलजुल के पूरी शक्ति से करेंगे, ताकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जो विपक्ष में है तो विपक्ष का रोल अपनाएगी, तो जनता के हित की आवाज हम लोग उठाने का काम करेंगे। क्या सदन में आप लोग के साथ रहेंगे? ये सवाल क्यों पूछते? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग अपना है, तो हम लोग अपना साथ का क्या मतलब है? अगर सरकार की नीति के खिलाफ कुछ होगा और साथ देने का मतलब क्या? हम लोग भी विरोध करेंगे, उनको भी विरोध करना चाहिए। साथ का मतलब क्या पूछ रहे हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, जनता के हित में जनता की आवाज बनेगी। अगर उनको भी करना है तो वो भी साथ दें। सर, आप कहते हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी, वो कहते हैं हम बिहार में बड़ी पार्टी और हम जो मुद्दा उठाएंगे हम कांग्रेस का वेट नहीं करेंगे, कांग्रेस की आगे वो अपना करेंगे, मैं अपना करूंगा, कांग्रेस क्यों उनका वेट करेगी? कांग्रेस के जो लोग जीते हैं क्या वो अपना जवाबदेही नहीं समझते? कांग्रेस की जवाबदेही तो 1947 से जनता पूरा जानती है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। किसी के बोलने पर हम नहीं जाएंगे। हम लोग जनता के हित में, जनता के लिए, सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और हम लोग सब एक साथ कांग्रेस के लोग हैं। सदन में कांग्रेस अकेले चलेगी? अकेले का मतलब ही नहीं है सर, हम लोग को जनता एक व्यक्ति को चुन के भेजी तो अकेले मान लीजिए तो अकेले हम हो गए, लेकिन हम लोग तो विपक्ष का रोल अपनाएंगे और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक जनता के हित के लिए, जनता के सही काम के लिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हम लोग तय करेंगे, अभी तो बैठक हो ही रही है। लेकिन आपको बता दें, शराबबंदी क्या उनके जो प्रशासन के तंत्र पूरे फेल्योर हो गए, तब अब हेलीकॉप्टर की बात वो कर रहे हैं, सेना की बात भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका पुलिस फोर्स, पूरा प्रशासन, आईएएस आईपीएस सब फेलियर हो गया। शराब माफियाओं का एक पैरल इकोनॉमी तैयार हो गई है, लगता है इसी कारण वो हेलीकॉप्टर से करेंगे और हेलीकॉप्टर से क्या देख लेंगे। शराब माफिया, आप सरकार अगर डाल चलेगी तो शराब माफिया पात चलेगा। इनके प्रशासन के पदाधिकारी दुरुस्त नहीं होंगे तो हेलीकॉप्टर से इनको कुछ नहीं मिलना है, पैसा का नुकसान होना है। मैं तो कहूंगा उस पैसे को बचा के जनता का विकास कीजिए। अब कौन क्या बोलते हैं पहले उनको पूछ लीजिए कि वो उनको पता है, नहीं पता होगा इसलिए दूसरे पास चेप लगा रहे हैं। हम लोग को पता है और जो क्रियाकलाप हम लोग का पीछे सदन में, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, सब लोग जानता है कांग्रेस किस तरह से आवाज बुलंद करती है और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करके बस बाधा डालते हैं, काम नहीं होता। वो क्या कहते हैं उनकी अपनी तरीका होगा, लेकिन हम लोग वाजिब में, पूरा देश जनता देख रही है कांग्रेस को और बिहार में भी देख रही है। तो अजीत शर्मा का कहना है कि वो सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून में जो हेलीकॉप्टर को लेकर के एक नई नीति लाई है सरकार की, हेलीकॉप्टर के जरिए अब शराब माफियाओं को पकड़ा जाएगा, उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार सरकार का सभी तंत्र मंत्र फेल हो गया है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के जरिए शराब माफियाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार डाल तो शराब माफिया पात।